अपने बच्चियां तो दूर रहिंदे मापियां दी कुछ घंटे अपने जवाकां नाल गल ना होवे तां उहनां दे तां सांह सुक जांदे ने। पर इस मां दा दुख होर कौन समझेगा जिसदा पुत तीन सालां तों गायब है। कैनेडा दे विच तीन सालां तों लापता इह पंजाबी नौजवान है जिसदी मां उसनूं लभण दीआं पूरीआं कोशिशां कर रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट उज्जवल प्रीत सिंह कैनेडा दे हंबर कॉलेज दे विच 2017 च पढ़न आया सी अते पंजाब तो पटियाला जिले नाल संबंध रखदा सी अते उसदे अपने मापिआं दा उह इकलौता पुत सी। उज्जवल प्रीत सिंह दी आखरी वार गल अपने परिवार नाल 2019 च होई सी। उज्जवल दे परिवार ने कदे भी नहीं सोचिआ सी कि कैनेडा गए पुत दा चेहरा उह मुड़ के देख ही नहीं पाणगे। उधर कैनेडा विचों उज्जवल दे मास्टर ने दस्सिया कि उह पेपरां दे विचों फेल हो गया सी जिस कारण उह परेशान रहिंदा सी। उस टाइम वो परेशान सीगा काफ़ी। उसनू यह भी कहा गया सीगा कि तू जे तेरे कॉलेज दे अपने तेरी स्टडी जो कोई सप्ली आई है ना तो आप दोबारा पेपर दे देने है ना तो तू साडे कोल आ वापस मुड़ के ते अपना समान जिहड़ा है तेरा जिथे भी पिया तू अपना समान लै आ ते आपां तेरे जे तेरा रेंट देंदा उत्थे रहण वाला आपां रेंट भी दे देने उहनां नूं है ना। तो उस तो बाद फिर यार वो गल होण तो बाद फिर दोबारा वो आया नहीं हैगा। वह कितने गया उस तो बाद सानूं उहदा पता नहीं चलिया कि वो कितने गया। घरदिआं नाल भी उहने फिर कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख्या कोई गलबात होई नहीं ज़्यादा है ना। तो उस तो बाद फिर 2019 तो बाद साडी उहदे नाल कोई मुलाकात नहीं होई। अपने मापिआं दा इकल्ला पुत्तर हैगा तुहानूं पता कि जदों पुत्तर दो दिन पुत्तर नाल गलबात नहीं हुंदी तां माँ प्यो दा की हाल हुंदा है ते इस नूं तां हुण मेरे ख्याल 2 साल हो गए 3 साल घर दे नाल किसी नाल गलबात नहीं हुई। माँ इन्हां दी बीमार हैगी है फादर इन्हां दी अखां दी रोशनी चलेगी अखां तों नज़र आउणा बंद हो गया ते इन्हां दी सिस्टर एक बैठी है घर स्टडी करके वह भी घर बैठी हैगी है ते इहदा इंतजार कर रहे कि कदे सानू फोन करे ते असीं इहदे नाल गलबात करिए साडी गलबात किसे तरीके नाल। बहुत ज़्यादा परेशान ने इहदे पेरेंट्स जिन्ने भी हैगे। बहुत ज़्यादा टेंशन है असीं इन्ना परेशान से कि कितने भी सानू असीं जदों कितने स्टोर वगैरह जाने हैं जां गुरद्वारा साहब जाने हैं असीं जाके देखते हैं कि सानू कितने नज़र आ जाए। यार वो इस तरह हैगा कि इहदे पेरेंट्स इन्ने परेशान से कि उन्होंने कॉल सानू दिन च दो बारी फोन आते कि दीदी तुसीं जाके देखो किस तरीके नाल कितने मिल जाए तुसीं ए करो तुसीं वो करो तुसीं पोस्टर लगा दो दे है ना। तो असीं फिर यही वेट कर रहे थे कि अपने आप कॉन्टैक्ट करे 2-4 बार असीं सोशल मीडिया से भी इहदा अपना मैसेज वगैरह दिते हैगे पर वो अजे तक कोई सामने नहीं आया। दूजे पासे उज्जवल दी कजन सिस्टर ने भी दस्सिया कि उसने उन्हां नूं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ब्लॉक किया होया। साडी साडे भाईचारे नूं पंजाबियां दे गढ़ कैनेडा दे विच रहिंदे हर एक नौजवान नूं बेनती है कि इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो तां जो इह वीडियो उज्जवल तक पहुंच सके ते उसनूं अहसास हो सके कि उसदे मापे किन्ने क दर्द दे विचों गुजर रहे ने। इधर मेरी मम्मी बोल रही है कि ये गल तो गल कर लो साडे नाल असीं बहुत परेशान आ पर बस एक बारी साडे नाल गल कर लो आपां तैनूं कुछ नहीं कहंदे बेटा जो कहेंगा असीं उही कर लां एक बार बस फोन कर लो तेरे करके असीं बहुत ज्यादा परेशान आ बेटा एक बारी गल कर लां बस बच्चे असीं तैनूं कुछ नहीं कहंदे बस साडे नाल गल कर लां असीं बहुत ज्यादा परेशान आ जिस दिन चीज की मदद की लोड़ है उसी तेरी करांगे बेटा सानू फोन कर ला और सानू कुछ नहीं चाहिए पुत्र प्लीज मेरा बच्चा एक बारी फोन कर ला सानू असि तेनू कुछ नहीं कहते बेटा जो हो गया ठीक हो गया मेरा पुत्र एक बारी फोन कर ला आप बहुत ज्यादा परेशान आ बच्चे गगन जसमीत पापा तेरे असि बहुत ज्यादा परेशान आ प्लीज एक बारी गल कर ला।
ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਜਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਿਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਜਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।